फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सनत कुमार आज बात करने जा रहा हूँ सेल्स के ऊपर। कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो उसे सेल किया जाता है। फिर प्रोडक्ट अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो प्रोडक्ट में आता है, कोई सेलफोन हो गया वो प्रोडक्ट है, कोई फटाके हो गया दिवाली आ रही है वो प्रोडक्ट है, कोई कपड़े हो गया, शूज हो गया, वॉच हो गया वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन विच कस्टमर बाइज। कस्टमर खुद के नीड्स को, खुद के वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो खरीदता है वो प्रोडक्ट है उसके लिए। तो सर्विस क्या है? सर्विस अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो वहाँ पे खाना खा रहे हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो वहाँ पे आप अकोमोडेट कर रहे हो खुद को, वहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, तो वो हो गया सर्विस। आप लाइक जर्नी कर रहे हो, लाइक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जा रहे हो, एक स्टार्टिंग पॉइंट से आप पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जा रहे हो, तो वो जो लाइक ट्रैवलिंग है वो आपको एक सर्विस मिल रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को और सर्विस को सेल किया जाता है। तो प्रोडक्ट हो या सर्विस उसे सेल ही किया जाता है। एट द एंड उसे कस्टमर्स को, उसके पर्टिकुलर क्लाइंट्स को सेल किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिससे सेल्स किया जाता है, जिससे रेवेन्यू जनरेशन किया जाता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ एजुटेक कंपनीज की। आज भारत में नंबर ऑफ एजुटेक कंपनीज आ रही है, जैसे कोई हो गया एम्बाई, बायजूस, अन अकेडमी, उसके साथ वेदांतु आ रहा है, एक्स्ट्रा मार्स आ रहा है, और उसके साथ टॉपर्स.com आ रहा है। ऐसे नंबर ऑफ कंपनीज है जो एजुकेशन को और टेक्नोलॉजी को दोनों को कंबाइन करके मार्केट में प्रोडक्ट ला रही है एंड वो सेल कर रही है। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एग्जांपल लूंगा, जैसे हो गया सैमसंग मोबाइल से, या फिर जैसे हो गया पर्टिकुलर मोबाइल कोई किसी भी कंपनी का हो, या फिर कोई कपड़ा हो, या फिर कोई शूज़ हो, कोई वॉच हो, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड के आइटम्स हो, तो वो रेगुलर सेल्स में आता है जो हमें ऑलरेडी पता है। आज हम लोग देखेंगे कि एजुटेक कंपनीज उनके प्रोडक्ट कैसे सेल करती है, एजुटेक कंपनीज का प्रोडक्ट क्या होता है और वो सेल कैसे करती है, सेल करने के मेथड्स क्या हैं। सो एट द वेरी बिगिनर आई वुड लाइक टू क्लियर दैट विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एजुटेक कंपनी, आई विल नॉट टेक एनी ऑफ द एजुटेक कंपनीज नेम, आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ द कंपनीज नेम। तो एजुटेक कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, जो एजुटेक प्रोडक्ट होता है, तो उसे सेल कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप आता है लीड जनरेशन। तो एजुटेक कंपनीज जो है वो लीड कैसे जनरेट करती है, तो उसके लिए आती है मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम क्या करती है, अलग अलग स्कूल्स हो या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो वहाँ पे विजिट करती है। तो वहाँ पे छोटा सा टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, या फिर उसी के साथ छोटे बड़े एक्टिविटीज कंडक्ट किए जाते हैं। तो उससे स्टूडेंट्स के जो लीड्स है, स्टूडेंट्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनीज के पास आती है। तो स्टूडेंट को पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया जाता है। अगर किसी कंपनी का खुद का एप्लीकेशन है, किसी कंपनी का खुद का एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर का नॉलेज, वो सॉफ्टवेयर का इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टेस्ट में, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में वहाँ पे दिया जाता है बच्चों को। तो बच्चे वो पर्टिकुलर एक्टिविटी यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन हो या सॉफ्टवेयर हो वो यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों की जितने भी डिटेल्स हैं, मतलब उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनके पेरेंट्स के डिटेल्स, वो कंपनी के पास जाते हैं, जो कम्प्लीटली यूजफुल रहते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, और जो वो पूरा का पूरा फेयर यूज ही रहता है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर जाता है, आप कौन से स्टैंडर्ड में, मतलब बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे, वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहता है। तो इसके थ्रू आपका जो भी लीड जनरेशन प्रोसेस है वो आता है। लीड जनरेशन के नंबर ऑफ टाइप्स है, लीड्स जनरेट करने के नंबर ऑफ टाइप्स है। अलग 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 प्रकार से लीड्स को जनरेट किया जाता है। जैसे हो गया, अभी मैंने बता दिया लाइक टेस्ट हो गए, पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हो गए, तो ऐसे बहुत से डिजिटल कैंपेन्स है। जैसे हो गया सोशल मीडिया पे कैंपेन्स आ रहे हैं, आजकल बच्चे बहुत सोशल मीडिया पे है, राइट? तो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स है, वहाँ से लीड जनरेट किया जा रहा है। एडवर्टाइजिंग्स चल रही है टीवीज़ के ऊपर, और उसी के साथ अलग अलग लाइक कॉम्पिटिशन्स अरेंज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन्स अरेंज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अरेंज कर रहे हैं, तो वहाँ से लीड जनरेट किया जाता है। तो सेकंड स्टेप आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कॉलिंग के ऊपर हो रहा है। कॉलिंग किसे किया जा रहा है, लीड जनरेट हुआ है, लीड जनरेशन के टाइम बच्चों ने या फिर उनके पेरेंट्स ने कोई नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मेल आईडी वहाँ पे पुट ऑन किया होगा ना, तो कोई भी आईडी, कोई भी लाइक कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया होगा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, तो वो सॉफ्टवेयर पे उनका जो नंबर रहता है वो जाता है कंपनी में। तो कंपनी के जो सेल्समैन रहते हैं, कंपनी की जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहती है, उनके पास वो लीड्स आती है। तो वहाँ पे सेल्समैन क्या कहता है, वहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या कहता है, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वहाँ पे क्या कहता है, आपके बच्चे ने, आपके चाइल्ड ने साइंस के इतने इतने वीडियो देखे, उसने इतने एक्टिविटीज़ किया है, उसने मैथमेटिक्स के इतने टेस्ट दिया है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उसके लिए हम लोग एक काउंसलिंग सेशन अरेंज कर रहे हैं। तो काउंसलिंग सेशन क्या रहता है, यहाँ पे आता है थर्ड स्टेप।
काउंसलिंग सेशन मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर रहे हैं वही रिप्रेजेंटेटिव या फिर उन्हीं के टीम में जो सेल्स करते हैं या फिर उन्हीं के टीम में जो काउंसलर्स रहते हैं वो काउंसलर्स जाएंगे काउंसलिंग सेशन के लिए। किसके काउंसलिंग सेशन के लिए? वो बच्चों के काउंसलिंग सेशन के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे यही आता है, काउंसलिंग सेशन। काउंसलिंग सेशन कहाँ किया जाता है? सेकंड स्टेप में, मतलब कम्युनिकेशन जब होता है वहीं पे बात किया जाता है कि काउंसलिंग सेशन कहाँ कंडक्ट होगा, मतलब स्टूडेंट के घर पे हो रहा है, पेरेंट्स के किसी पर्टिकुलर ऑफिस में हो रहा है या फिर कंपनी के खुद के कैंपस में हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे आता है काउंसलिंग सेशन, जहाँ पे पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डेट और प्लेस ये डिसाइड किया जाता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, मतलब पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए म्यूचुअल टाइमिंग कौन सा है। लाइक हो गया संडे बाय 2 PM to 5 PM, तो ये जो टाइम है वैसे फिक्स किया जाता है, अपॉइंटमेंट लिया जाता है और उस टाइम पे काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो काउंसलिंग सेशन जब स्टार्ट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया, पर्टिकुलर डेट्स ले लिए और उस टाइम पे, उस डेट पे, उस प्लेस पे काउंसलर को, मत सेल्समैन को या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद उसको खुद को इंट्रोड्यूस करना है, उसको खुद की कंपनी के बारे में वहाँ पे बताना है और उसको ये बताना है कि उसको इस चाइल्ड के बारे में, उस स्टूडेंट के बारे में कैसे पता चला, कैसी इन्फॉर्मेशन मिली, कंपनी के पास उसका इन्फॉर्मेशन कैसे आया, उसे पेरेंट के साथ ये सब कुछ डिस्कस करना है, ये सब कुछ शेयर करना है। उसके बाद आता है टेस्ट, काउंसलिंग टेस्ट इसे कहते हैं। ये टेस्ट देना पड़ता है बच्चे को, चाइल्ड को, जिसका काउंसलिंग होने जा रहा है। काउंसलिंग में उसको एक डिवाइस दिया जाता है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मेथड से टेस्ट कंडक्ट करने के। कोई काउंसलर खुद उसके क्वेश्चंस देते हैं और उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, कोई कंपनीज एक पर्टिकुलर डिवाइस उनके हाथ में देती है, उनको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है, उसके ऊपर से उनके कॉम्पिटिटिव या फिर एनालिटिकल जितने भी स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, वो लाइक जनरेट होता है। वहाँ पे एक एनालिसिस क्रिएट होता है और अगर कोई कंपनी उनके सेल्समैन और उनके बिजनेस काउंसलर्स को ही सजेस्ट करती है कि जाओ और डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ 1-to-1 कम्युनिकेट करके वहाँ पे क्वेश्चंस, वहाँ पे आंसर्स करो, स्टूडेंट्स का जो भी एबिलिटी है वो समझने की कोशिश करो। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फॉर्मेट्स है, अलग अलग टेक्निक्स है टेस्ट लेने की। तो ये जो एनालिसिस रहती है वो पेरेंट्स को दिखाया जाता है, पेरेंट्स को समझाया जाता है कि ये प्रोडक्ट ऐसे है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपके बच्चे में एनालिटिकल स्किल अच्छा है लेकिन आपका बच्चा थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा याद नहीं रख सकता, उसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उसे सिर्फ ऊपर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आंसर दे सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है तो वो आंसर नहीं दे सकता, ऐसे थोड़े बहुत वहाँ पे एनालिसिस निकलते हैं, वो एनालिसिस पेरेंट के साथ शेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में क्या आ रहा है, जिस कंपनी से भी वो काउंसलर बिलोंग करता है, जिस कंपनी से भी वो सेल्समैन या बिजनेस एग्जीक्यूटिव बिलोंग करता है, उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट वो वहाँ सामने रखेगा। वो बताएगा कि हमारे इस प्रोडक्ट में ऐसे अलग अलग फीचर्स है, जैसे हो गया उसके कंपनीज के बेनिफिट्स हो गए, उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, और उसी के साथ समवॉट टेस्टिमोनियल्स, जैसे कि हो गया ऐसे कई बच्चे हैं जो यूज़ कर रहे हैं, उन्हें बेनिफिट हो रहा है, वहाँ पे हो गया टेस्टिमोनियल्स, और उसी के साथ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाते समय क्या देखा जाता है, प्रोडक्ट में जो टीचर सिखा रहा है वो टीचर कौन से इंस्टीट्यूशन से है, उस टीचर का खुद का एजुकेशन क्या है, उस टीचर ने एजुकेशन फील्ड ही क्यों स्टार्ट किया, और उसी के साथ ये जो प्रोडक्ट है वो आपके बच्चे को कैसे यूजफुल हो सकता है। तो ये सब कुछ ये वहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कोई भी सेल्स हो, फिर चाहे वो एजुटेक कंपनी का प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी रेगुलर प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, यूएसपी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब आपके प्रोडक्ट में ऐसे कौन सी यूनिकनेस है जो बाकी दूसरे किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कोर्स डिटेल्स, मतलब अगर कोई कंपनी नर्सरी से लेकर 12th तक, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कोई कोर्स दे रही है, कोई एजुकेशन का कोर्स दे रही है या फिर कोई प्रोडक्ट दे रही है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर कोर्स वहाँ पे सेल करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड टू लाइक 12th स्टैंडर्ड। अगर कोई स्टूडेंट 6th स्टैंडर्ड में है तो उसे फर्स्ट स्टैंडर्ड की लाइक कोर्स दे के कुछ फ़ायदा नहीं। तो वहाँ पे आता है कोर्स इंट्रोडक्शन, वहाँ पे काउंसलर वहाँ पे कोर्स इंट्रोडक्शन देता है, वहाँ पे
वो बताता है कि कंपनी कौन से कोर्सेज देती है, वहाँ पे कंपनी कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, कैसे ये कोर्सेज पर्टिकुलर स्टूडेंट को यूज़फुल होता है। अभी सिक्स स्टैंडर्ड में बच्चा है, सिक्स स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है, तो उन्हें कौन से कोर्सेज लेने पड़ेंगे, उन्हें क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड से कोर्सेज लेने पड़ेंगे, या फिर उन्हें सिर्फ सिक्स स्टैंडर्ड का लेना पड़ेगा, या फिर सिक्स टू टेंथ का, या फिर सिक्स टू ट्वेल्थ, या फिर सिक्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो ये जो भी है वो कोर्स डिटेल्स वहाँ पे काउंसलर बताता है, कोर्स का इंट्रोडक्शन वहाँ पे देता है, लीड जनरेशन हो गया, टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन हो गया, काउंसलिंग सेशन बुकिंग हो गया, काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो गया, खुद का इंट्रोडक्शन, कंपनी का इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, बच्चे का टेस्ट, सब कुछ होने के बाद कोर्स डिटेल्स हो गया। कोर्स डिटेल्स के बाद आ रहा है रेट्स नेगोशिएशन। अगर अब तक सब कुछ सही चल रहा है देन कस्टमर विल आस्क फॉर, पेरेंट विल आस्क फॉर द रेट, द प्रोडक्ट रेट, प्रोडक्ट का जो भी प्राइसिंग है, कॉस्ट क्या आता है प्रोडक्ट का, तो वो वहाँ पे बातें होती है, वहाँ पे नेगोशिएशन होता है। वहाँ पे मैं बता दूँ कि वहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट का रेट्स या फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट वहाँ पे पेरेंट के साथ डिस्कस किया जाता है। तो उसमें वो बताया जाता है कि पर्टिकुलर इतने साल का कोर्स लेने के बाद आपको ये कॉस्ट बढ़ता है एक्स वाई जेड, दो साल का कोर्स लेने के बाद आपको एक्स वाई जेड कोर्स पड़ता है, एक साल का कोर्स के लिए इतना कॉस्ट है। आप पूरा अगर रैंडमली लेते हो लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, आपके एक्स वाई जेड अमाउंट बनता है। तो ये जो जितने भी डिस्कशन है वो आपके साथ वहाँ पे काउंसलर डिस्कस करते हैं, आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत से सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि दे नीड टाइम टू यूज़ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे नीड टाइम टू डिस्कस बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, दे नीड टाइम टू थिंक ओवर इट, टू बाई इट और नॉट, दे नीड टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट प्रॉपरली, दे नीड टाइम टू डिस्कस अलॉन्ग विद देयर फैमिली मेम्बर्स, एंड दे नीड टाइम टू डिस्कस विद द पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड विद देयर फ्रेंड्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशंस के वजह से, अलग अलग डाउट्स के वजह से वहाँ पे कभी कभी सेल नहीं होता है, मतलब लीड कन्वर्ट नहीं होता है। तो उस टाइम पे जो भी काउंसलर रहता है उसका एक ही टारगेट रहता है कि उसे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ पे बेच के आना है, वहाँ पे सेल करके आना है। कोई भी सेल्समैन हो या फिर कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो, सब लोग सेल का ही काम कर रहे हैं, सब लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए ही आए हैं। तो प्रोडक्ट बेचने का ही उन्हें टारगेट है, देन वहाँ पे वो लीड कन्वर्जन पे, वहाँ पे वो सेल कन्वर्जन पे ज़्यादा फोकस देता है। वहाँ पे काउंसलर आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करता है, वहाँ पे काउंसलर आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करता है। अगर आप कन्विंस हो जाते हो देन आप प्रोडक्ट खरीदते भी हो, और वो प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, वो प्रोडक्ट यूज़फुल है या नहीं है, वो काउंसलर आपके साथ डिस्कस करके आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। एंड ऑब्वियसली आपको भी समझता है कि वो प्रोडक्ट आपके बच्चे के लिए यूज़फुल रहेगा या नहीं, आपको भी मार्केट नॉलेज रहता है, देन इट इज़ योर कॉल कि आपको वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना। बट यहाँ पे सेल्समैन क्या करेगा, यहाँ पे सेल्समैन आपको सेल करने की, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट देने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से इतने सारे स्टेप्स रहते हैं कोई भी प्रोडक्ट सेल करने में। तो ऐसे अलग अलग एजुटेक कंपनीज है जिनके अलग अलग स्टेप्स ऑफ सेल्स है, जिसके अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग उनके मेथड्स है सेल्स करने के, उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे स्टेप्स हर एक कंपनी यूज़ करती हो, लेकिन 80-90% यही स्टेप सारी कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हो गया लीड जनरेशन, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग सेशन। तो कोई भी एजुटेक कंपनी हो, जैसे कि हो गया एक्स्ट्रा मार्क्स, बाईजूस, टॉपर्स.com, वेदांतु, तो हर एक कंपनी में ऐसे टाइप के ही लाइक सेल्स के जितने भी स्टेप्स है वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह हमने इस वीडियो में देखा कि कोई भी एजुटेक कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बेचा जाता है, उसका सेल्स जर्नी क्या होता है। तो हम लोग आने वाले हमारे वीडियोस में ऐसे कुछ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो को शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी।